तो दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों को बुधवार को एक और मेट्रो रूट शिव विहार त्रिलोकपुरी का तोहफा मिल गया। बुधवार सुबह केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मेट्रो भवन से इस रूट को झंडी दिखाई। इस लाइन के खुलने के बाद दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 313.86 किलोमीटर लंबा हो गया है और इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो दुनिया के 10 सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में शामिल हो जाएगी और इस नई मेट्रो लाइन की शुरुआत के साथ ही लोगों के लिए भी सुविधाएं बढ़ गई हैं। पिंक लाइन के त्रिलोकपुरी शिव विहार सेक्शन पर मेट्रो सेवा की शुरुआत हो गई। त्रिलोकपुरी शिव विहार सेक्शन पर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई गई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हरी झंडी दिखाई। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को अब इस नई मेट्रो लाइन के बाद निजात मिलेगी। बाराखंबा रोड स्थित मेट्रो भवन से पिंक लाइन को हरी झंडी दिखाई गई। इस सेक्शन का रिमोट के जरिए उद्घाटन किया गया है और इस नए सेक्शन के उद्घाटन के साथ ही लोगों की सुविधाएं भी बढ़ गई हैं। इस सेक्शन के खुलने से नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिल्ली आपस में कनेक्ट हो गए हैं। इस सेक्शन पर 3 लूप में मेट्रो ट्रेन चलेंगी, यानी इस सेक्शन पर 3 लूप में मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। इस मेट्रो रूट की लंबाई 17.86 किलोमीटर है। इस रूट पर 15 मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं। इस लाइन पर 15 मेट्रो स्टेशन के साथ ही इस लाइन पर तीन जगह रेड और ब्लू लाइन का इंटरचेंज की सुविधा भी मिलेगी। वेलकम, कड़काडूमा और आनंद विहार स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा रहेगी। मेट्रो की इस नई लाइन के खुलने से लोगों को खासी सुविधाएं होंगी। मेट्रो के इस सेक्शन के खुलने से यमुना पार की आबादी को खासी सहूलियत होगी। मौजपुर, बाबरपुर और गोकलपुरी, जाफराबाद, वेलकम इलाके के लोगों को मदद मिलेगी। ईस्ट दिल्ली का भी काफी सारा नया हिस्सा मेट्रो से अब कनेक्ट हो जाएगा, यानी आनंद विहार, आईपी एक्सटेंशन, विनोद नगर, मंडावली और मयूर विहार फेज 2, त्रिलोकपुरी जैसे कई इलाके अब मेट्रो के साथ शामिल हो जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में लगने वाले भयंकर ट्रैफिक जाम से भी अब लोगों को राहत मिलेगी। नए नेटवर्क की शुरुआत के साथ ही लोगों को जाम की समस्या से भी अब निजात मिलना शुरू हो जाएगी। अब दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क लगभग 313.86 किलोमीटर लंबा हो गया है। दिल्ली मेट्रो दुनिया के 10 सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में अब शामिल हो गई है। दिल्ली मेट्रो के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो ने एक विश्व रिकॉर्ड भी कायम किया है। दिल्ली मेट्रो के इस नए रूट का डिज़ाइन और इसकी खूबियां सबसे अलग हैं, सबसे अनोखी हैं। ये पूरा रूट और इसके सभी स्टेशन एलिवेटेड हैं, यानी इस नए रूट के सभी स्टेशन एलिवेटेड बनाए गए हैं। दिल्ली मेट्रो की अन्य नई लाइनों के निर्माण का काम भी अभी चल रहा है। दिल्ली मेट्रो जल्द ही दुनिया के 3 बड़े मेट्रो नेटवर्क में शामिल हो सकती है। इस रूट पर त्रिलोकपुरी, संजय झील, पूर्वी विनोद नगर, मयूर विहार 2 और मंडावली पश्चिम विहार विनोद नगर, आईपी एक्सटेंशन, आनंद विहार, आईएसबीटी और इसके बाद आईएसबीटी के बाद कड़काडूमा, कड़काडूमा कोर्ट, कृष्णा नगर, पूर्वी आजाद नगर, वेलकम, वेलकम के ये स्टेशन और इसके बाद पूर्वी आजाद नगर, वेलकम के बाद जाफराबाद, मौजपुर, कड़काडूमा, कड़काडूमा कोर्ट, ये तमाम स्टेशन इस रूट पर रहेंगे। साथ ही कृष्णा नगर, पूर्वी आजाद नगर, वेलकम, जाफराबाद, मौजपुर, जाफराबाद के बाद मौजपुर, बदरपुर, गोकुलपुरी, जोहरी इनक्लेव और शिव विहार शामिल रहेंगे। मौजपुर, गोकुलपुरी, शिव विहार इस पर रहेंगे और ये नया रूट और नए स्टेशनों के साथ लोगों की सहूलियत बढ़ती जाएगी। ये पिंक लाइन मेट्रो स्टेशन का जो नया रूट शुरू हुआ है, सभी एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन हैं और लोगों के लिए खासी इस सुविधाएं इस स्टेशन के खुलने के बाद शुरू हो जाएंगी। शिव विहार से त्रिलोकपुरी के बीच चलने वाली नई मेट्रो कई खूबियों से लैस है। मेट्रो के इस रूट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर 3 इंटरचेंज होंगे। इसके अलावा भी इस मेट्रो रूट की कई खास बातें हैं जो इस रूट को मेट्रो के बाकी रूट से अलग बनाती हैं, यानी नई लाइन की शुरुआत के साथ ही लोगों को नई सुविधाएं और कुछ बेहतर सुविधाएं भी देखने को मिलेंगी। मेट्रो के इस रूट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर 3 इंटरचेंज होंगे।
पहला इंटरचेंज आनंद विहार पर ब्लू लाइन का होगा, वहीं पहले इंटरचेंज के बाद दूसरा इंटरचेंज कड़काडूमा पर ब्लू लाइन का होगा, यानी दो इंटरचेंज के साथ तीसरा इंटरचेंज वेलकम पर रेड लाइन का होगा, यानी तीन इंटरचेंज इस नए रूट की सबसे बड़ी खासियत है। मेट्रो का ये रूट पिंक लाइन, ब्लू लाइन और रेड लाइन को जोड़ने के लिहाज से काफ़ी अहम है, यानी तीन अहम मेट्रो लाइन इससे जुड़ जाएंगी और इंटरचेंज मिलने से लोगों को भी खासी सहूलियत होगी। ये मेट्रो का सबसे ज़्यादा घुमावदार कॉरिडोर भी है। मेट्रो के लगभग 17.86 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 10 तीक्ष्ण मोड़ हैं, यानी कि सबसे घुमावदार कॉरिडोर इसी मेट्रो की पिंक लाइन में शामिल है। इस कॉरिडोर पर तीन लूप में मेट्रो का परिचालन किया जाएगा, यानी शिव विहार से त्रिलोकपुरी के लिए सीधे मेट्रो नहीं मिलेगी। सबसे पहले मौजपुर में मेट्रो बदलनी पड़ेगी, यानी सीधे मेट्रो की जगह सबसे पहले आपको मौजपुर में मेट्रो बदलनी पड़ेगी। डीएमआरसी का दावा है कि 35 से 38 मिनट में सफर पूरा हो सकेगा। इस रूट पर कुल 13 ट्रेनों का परिचालन होना है। इस रूट पर बेहद खास है परिचालन की व्यवस्था, यानी कि ये रूट कई मायनों में खासा अहम है। शिव विहार से मौजपुर के बीच चार स्टेशन हैं। इस स्टेशन पर तीन मेट्रो ट्रेनें 5 मिनट और 52 सेकंड के अंतर से चलेंगी। शिव विहार से चलने वाली मेट्रो मौजपुर से वापस हो जाएगी। मौजपुर से आईपी एक्सटेंशन और त्रिलोकपुरी के लिए सीधी मेट्रो मिलेगी। वहीं दूसरे लूप में मौजपुर से आईपी एक्सटेंशन जुड़ेगा। मौजपुर से आईपी एक्सटेंशन के बीच 10 ट्रेनें चलेंगी। इसमें भी जो समय का अंतराल है वो 5 मिनट 12 सेकंड का ही होगा। इसमें इसी अंतराल के पर मेट्रो का परिचालन होगा। वहीं तीसरे लूप में सिंगल लाइन पर इसका परिचालन होगा। तीसरा लूप आईपी एक्सटेंशन और त्रिलोकपुरी है। इस लूप में सिंगल लाइन पर मेट्रो का परिचालन होगा और यहाँ मेट्रो का जो परिचालन तीसरे लूप में होने जा रहा है उसमें 15 मिनट और 36 सेकंड का जो अंतराल है वो रहेगा। वहीं पर मौजपुर से आईपी एक्सटेंशन जाने वाली हर तीसरी मेट्रो त्रिलोकपुरी जाएगी। पिंक लाइन की जो कुल लंबाई होगी वो अब 58.59 किलोमीटर हो जाएगी और इस कॉरिडोर पर मयूर विहार पॉकेट वन से त्रिलोकपुरी के बीच जमीनी विवाद है और जमीनी विवाद के चलते मेट्रो लाइन का निर्माण नहीं हो सकता है। विवाद के चलते मेट्रो ट्रेनें त्रिलोकपुरी से आगे नहीं बढ़ पाएंगी। कड़काडूमा में 21 मीटर की ऊंचाई पर मेट्रो स्टेशन बना है। ये दिल्ली मेट्रो का दूसरा सबसे ऊंचा एलिवेटेड स्टेशन है। धोला कुआं के पास पिंक लाइन कॉरिडोर की ऊंचाई सबसे ज़्यादा 23 मीटर है और इस नए कॉरिडोर के शुरू होने के साथ ही यात्रियों का किराया भी अब बचेगा। दिलशाद गार्डन से आनंद विहार जाने के लिए केवल 30 रुपये खर्च करने होंगे। अभी तक यात्रियों को कश्मीरी गेट और राजीव चौक पर मेट्रो बदलनी पड़ती है। दिलशाद गार्डन से आनंद विहार जाने के लिए 50 रुपये खर्च होते थे, अब वो खर्च घटकर 30 रुपये रह जाएगा। आनंद विहार में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर से मेट्रो कॉरिडोर गुजर रहा है। डीएमआरसी के अनुसार इस कॉरिडोर के 6 पिलर रेलवे के क्षेत्र में बनाए गए हैं। 6 में से 2 पिलर प्लेटफॉर्म पर बने हैं। स्टेशन के पास रेलवे के क्षेत्र में मेट्रो एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। इस निर्माण में 37 मीटर से लेकर 70 मीटर लंबाई के 5 स्पैन इस्तेमाल किए गए हैं, यानी इस फेज के शुरुआत के साथ ही कुछ खास सौगात दिल्ली वालों को मिलने जा रही है।